हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है वो आपकी लाइफ के हर मोड़ पर आपको काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे टॉप 10 मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जो कि आपकी जान भी बचा सकती हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। जो अलग अलग इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उनमें ये जो दवाइयां हैं या फिर ये जो इंजेक्शन है वो आपकी जान बचा सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम जानेंगे इनके नाम और इनके यूजेस के बारे में। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि टॉप 10 ये जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो किस काम आती हैं और कैसे इनका यूज जो है वो होता है और इनका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा जो नाम आता है इंजेक्शन का, वो आता है एड्रेनलाइन का। देखो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है तो आप वीडियो को स्टॉप करके काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली मैं आपको नाम और इनके यूजेस ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एड्रेनलाइन। ये हमारा प्राइमरी ड्रग है हमारी इमरजेंसी ट्रे किट में। तो ये कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे बेस्ट दवा है। कार्डियक अरेस्ट के लिए ये जो है वो सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है। कौन सी? इंजेक्शन है एड्रेनलाइन, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट की मेन जो वजह मानी जाती है वो इस्केमिक माना जाता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज ये मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। और कार्डियक अरेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट ड्रग माना जाता है वो माना जाता है एड्रेनलाइन, ठीक है। ये आपकी नस में ये जो है वो यूज होता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप टीसीए और एमएओ जैसी दवाइयों का यूज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा इस इंजेक्शन को लेने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला ड्रग। अब आती है दूसरी मेडिसिन। दूसरी का नाम क्या है? वो आती है आपकी नॉर एड्रेनलाइन, या फिर इसे नॉर पेनेफ्रीन भी बोलते हैं, या फिर इसे नॉर पेनेफ्रीन भी बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाए, ठीक है। अब मान लीजिए होता क्या है कभी कभी, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जल गया, डायरिया हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो गई प्रेगनेंसी में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट हमारा सडनली स्टॉप, जो पंपिंग ब्लड है उसको स्टॉप कर देता है। किसमें? ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन, लीवर, किडनी और अदर टिश्यूज में। और इस इमरजेंसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक बोलते देते हैं, वैसोटिलरी शॉक बोलते हैं, हाइपरटेंशन शॉक इस कंडीशन में इसको बोल देते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ये जो नॉर एड्रेनलाइन है ये सबसे बेस्ट ड्रग जो है वो माना जाता है। किसके लिए? कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। तो पिछली जो थी वो हमारी कार्डियोजेनिक शॉक के लिए थी, ये सॉरी पिछली जो हमने दवा पढ़ी थी वो हमारी किसके लिए थी? कार्डियक अरेस्ट के लिए थी, और ये हमारी कार्डियोजेनिक शॉक के लिए है। नंबर तीन पर हमारा तीन पर जो ड्रग आता है वो दो ड्रग आते हैं, डोपामाइन और डाउटामाइन। डोपामाइन जो वर्क करता है वो अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर में करता है, और डाउटामाइन जो वर्क करता है वो बीटा 1 रिसेप्टर में करता है। इनका जो मेनली यूज होता है, मेनली यूज इन एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज दिस ड्रग हेल्प टू इंक्रीज योर कार्डियक आउटपुट। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसमें डोपामीन या फिर डाउटामीन का यूज किया जाता है। ये आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा रह गया तीसरे नंबर का इंजेक्शन। नंबर चार पर आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर बात की जाए तो इसका यूज जो किया जाता है वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, लाइक कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो गया, इन जैसी इमरजेंसी कंडीशंस में जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। किसमें? कार्डियक अरेस्ट और कार्डियोटॉक्सिसिटी की कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। बाकी ये सॉल्यूशंस वगैरह और जो लिमिट वगैरह दी गई है दवाइयों की वो आप आगे जो है वो इसमें पढ़ लीजिएगा। पांचवें नंबर पर हमारा इंजेक्शन आता है एट्रोपिन। क्या है? पांचवें नंबर पर हमारा जो इंजेक्शन आता है वो आता है कौन सा? एट्रोपाइन। एट्रोपाइन या फिर एट्रोपिन इसे हम बोल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जो एट्रोपिन है इसका यूज कब किया जाता है? मान लीजिए ईसीजी में जो धड़कन है वो बिल्कुल स्लो चल रही है, या फिर बिल्कुल ही फ्लैट लाइन है, बिल्कुल ही नहीं है। तो जो स्लो चल रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जो
बैडिकार्डियो बोलते हैं, बैडिकार्डियो बोलते हैं, और जब बिल्कुल ही ना हो उस कंडीशन को एसिस्टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिस्टॉल। तो बैडिकार्डियो या फिर एसिस्टॉल की कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? एट्रोपाइन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब सिंपल भाषा में बोली जाए तो अगर जो दिल की धड़कन है वो बिल्कुल स्लो चल रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में एट्रोपाइन इंजेक्शन का यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इंजेक्शन नंबर 6 पर, वो आता है एम्योडेरोन। कौन सा आता है? वो आता है एम्योडेरोन। तो यार एम्योडेरोन की एक खास बात बताते हैं। एम्योडेरोन के बारे में बोला जाता है, जो एक लिटरेचर पब्लिक हुआ था यूरोपियन रिव्यू फॉर मेडिकल एंड फार्मोलॉजिकल साइंसेज द्वारा 2005 में, और उसमें माना गया था कि पल्सेस वेंट्रिकुलर जो टैचिकार्डियो है, पल्सेस वेंट्रिकुलर टैचिकार्डियो है, इसमें इसकी जो पल्सेस के लिए सबसे ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसको माना गया था। किसको? एम्योडेरोन को। ठीक, एम्योडेरोन को यहाँ पर माना जा गया था। तो एम्योडेरोन इज द ओनली एंटी रेडमिक ड्रग दैट रिड्यूसेस सडन कार्डियक डेथ। ये सडन जो कार्डियक डेथ होती है, अचानक जो हृदय की मृत्यु होती है, उसको रिड्यूस करता है, और उसके लिए एकमात्र एंटी रेडमिक ड्रग जो है वो इसको माना जाता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है, साइड इफेक्ट्स भी है इसके, जैसे कि हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डिया इसके जो है वो कुछ साइड इफेक्ट भी माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा हो गया 6 नंबर इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं लिडोकेन। इंजेक्शन का नाम क्या है? इंजेक्शन का नाम है लिडोकेन। तो यार लिडोकेन का जो यूज है वो काफी सारी चीजों में किया जाता है, जैसे कि एक्यूट जो मायोकार्डियक इन्फ्रेक्शन है उसमें, वेंट्रिकुलर जो कार्डिया ड्यू टू जो डिजिटलाइट टॉक्सिसिटी है इसमें, हार्ट सर्जरी, इन सब में जो है इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन ये इनइफेक्टिव हो जाता है किसमें? एट्रियल अर्थेमिया में, ये जो इनइफेक्टिव जो है यहाँ पर हो जाता है। इसको लेने के बाद आपको दिल के दौरे, मतलब दिल के नहीं, दौरे वगैरह पड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो इस कंडीशन को यूज करने के लिए कुछ दूसरा इंजेक्शन भी यहाँ पर आपको डॉक्टर्स द्वारा दिया जा सकता है। डाइजोपाम का इंजेक्शन जो है वहां पर दिया जा सकता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है नंबर 8, वो आता है एडेनोसिन। क्या आता है? एडेनोसिन। तो यार ये वाला जो इंजेक्शन है ये भी काफी सारी चीजों में आपका यूज होता है। सबसे पहले पीसीबीटी में इसे यूज कर सकते हैं। मेनली 4 टाइप्स होते हैं इसके एसबीटी के, जिनमें इसको यूज कर सकते हैं। एटली फेब्रिलेशन में इसको यूज करते हैं, एट्रियल फ्लूटर में इसको यूज कर सकते हैं, और WPWS में भी इसको यूज जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सब में जो है वो इसमें इसको यूज कर सकते हैं। एडिनोसिन की अगर बात की जाए तो चॉइस ऑफ ड्रग है ये पीसीबीटी में। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन अदर टाइप्स ऑफ एसबीटी। ठीक है, इन सब में जो है इसको यूज जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। किसको? एडिनोसिन को। नेक्स्ट हमारा नंबर 9 पर आता है, वो आता है एस्मोलॉल। क्या आता है? नंबर 9 पर जो ड्रग आता है वो आता है एस्मोलॉल। तो यार एस्मोलॉल की यहाँ की अगर बात की जाए तो एस्मोलॉल इंजेक्शन इज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड पीसीवीटी, पीएसवीटी। इन सब का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर वो पीछे वाला इंजेक्शन यूज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप इसको यूज यहाँ पर कर सकते हैं। एस्मोलॉल इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, हाफ लाइफ इज अबाउट 9 मिनट्स एंड इट स्टार्ट टू वर्क विद इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ये अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर सकता है। दिस ड्रग डिक्रीजेज द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट बाय ब्लॉकिंग द बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, ये है, हार्ट रेट को आपका डिक्रीज करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है आपकी हार्ट रेट में, और बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, ये आता है इंजेक्शन एस्मोलॉल। नेक्स्ट और अपना लास्ट जो रहता है वो रहता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा 10 नंबर का ड्रग है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में सबसे पहली चीज जो यहाँ पर बोली जाती है, तो दिस ड्रग शुड बी अवेलेबल इन एवरी इमरजेंसी एरिया ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के एवरी इमरजेंसी एरिया में ये मैग्नीशियम सल्फेट उपलब्ध होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को भी मिला। एज पर ए स्टडी, जो इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन है इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉर्सेट डी पॉइंट्स। इसको टॉर्सेट डी पॉइंट्स की एक पसंद की दवा इसको माना जाता है। दिस ड्रग
हेल्प टू इंक्रीज मैग्नीशियम एंड पोटेशियम लेवल बाय ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके मैग्नीशियम और पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्लैम्पसिया कंडीशंस। इसके अलावा जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसके दौरान जो उच्च रक्तताप देखने को मिलता है, प्रोटीन में जो दौरे वगैरह देखने को मिलते हैं, इसमें भी इसका यूज़ जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर यार आपके 10 इमरजेंसी मेडिसिन या फिर 10 इमरजेंसी जो ड्रग्स यहाँ पर रहते हैं जो कि आपकी जान भी बचा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिली होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेडिकल के रिगार्डिंग ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।